स्टूडेंट्स वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.2। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यानी बेटा आपने राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको याद होगा किसी भी ट्रायंगल में टोटल 6 क्वांटिटीज होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। आपको याद है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल होता है 90 का। अब देखिए, जैसे ये आपके पास ए है, ये आपके पास सी है, और ये आपके पास बी है। और इसमें देखिए, ये जैसे आपके पास एंगल है 90 का, ये एंगल क्या है 90 का। अब ए के सामने मैं स्मॉल ए ले रहा हूँ, सी के सामने स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी। अच्छा, अब बेटा आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एंगल देखें, ये लेंगे आप एंगल थीटा, ये वाला आप एंगल ले लेंगे थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास होगा बेस, ठीक है। अगर आप एंगल थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ये इसमें देखिए ए है, ये सी है, और ये बी है, और ये ए के सामने स्मॉल है, ये स्मॉल सी, और ये स्मॉल बी। और आप एंगल फॉर एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं फाइव। अब इस एंगल के सामने ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा परपेंडिकुलर, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा, ये आपके पास बेस होगा, ठीक है। अब बेटा देखिए, इसके अलावा क्या होगा कि किसी भी राइट एंगल में ट्रायंगल में आपको याद है कि 3 रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी कहते हैं, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस कहते हैं। फिर एक होता है कॉस थीटा, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एक हम यूज करेंगे टेंजेंट थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेटा ये आपने रेशियोज यूज करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर आपको दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए, आपको यानी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा, यानी जो मिसिंग टर्म्स है वो आपने फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, इसका जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास है वन, क्वेश्चन नंबर वन आपके पास ये है। देखिए, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, ए सी और ये बी। अच्छा, अब बेटा देखिए, ये आपके पास एंगल है 45 डिग्री। उसके बाद ये ए के सामने स्मॉल है, ये आपके पास है कितना, 4 है। अब आपने एक ये स्मॉल सी फाइंड करना और एक स्मॉल बी फाइंड करना, ठीक है। और ये एंगल आपके पास कितना है, 90 है, और एक आपने एंगल बी फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये डेटा बनाएंगे, गिवन आप लिखें, गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट देखिए आपके पास क्या है कि आपके पास एंगल ए आपके पास 45 डिग्री, उसके बाद एंगल सी आपके पास है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है। उसके बाद स्मॉल ए आपके पास क्या है, स्मॉल ए आपके पास है 4। अब देखिए, रिक्वायर्ड आपके पास क्या क्या है। देखिए, रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, एक आपको एंगल बी चाहिए, एक स्मॉल बी और एक स्मॉल सी। तो रिक्वायर्ड हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड, एक तो देखिए आपको क्या चाहिए, स्मॉल एंगल बी चाहिए नंबर वन। नंबर टू आपको चाहिए स्मॉल सी हाइपोटेन्यूस, और नंबर थर्ड आपको क्या चाहिए, स्मॉल बी।
बेटा देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल बी फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगल बी के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा, तब हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड एंगल बी, बट आपको याद है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए आपके पास है 45 डिग्री, एंगल बी आपको फाइंड करना है, और एंगल सी आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। बेटा देखिए, एंगल बी 90 प्लस 45 हो जाएगा आपके पास 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब आप यहाँ पे कर देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और -135, या फिर एंगल बी आपके पास आ जाएगा 180 -135 45 डिग्री। बेटा देखिए, ये आपके पास आ गया एंगल बी। अब आपको फाइंड करना है स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो स्मॉल बी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर स्मॉल बी, फॉर स्मॉल बी। मैंने देखिए, स्मॉल बी के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास बेस, तो हम यूज करेंगे टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर बी, वी नो दैट टेंजेंट एंगल ए परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट एंगल ए, देखिए परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है, और बेस आपके पास स्मॉल बी है। अब देखिए, टेंजेंट ए आपके पास है 45, स्मॉल ए आपके पास है 4, और बेस आपने फाइंड करना, बेस आपने फाइंड करना है। अब बेटा देखिए, टेंजेंट 45 होता है 1 इज इक्वल टू 4 ओवर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी भी आपके पास आ जाएगा 1, या गया स्मॉल बी। अब बेटा हम फाइंड करेंगे, देखें स्मॉल सी, तो ये हम यूज कर लेते हैं कौन सा, साइन थीटा। साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल सी, तो फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेटा देखिए, यहाँ पे साइन एंगल हम लिख देंगे, साइन एंगल ए लिख देंगे, परपेंडिकुलर आपके पास स्मॉल ए है और हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी है। अब देखिए, साइन एंगल ए आपके पास 45 डिग्री है, और स्मॉल ए आपके पास है 4, सी आपने फाइंड करना है। अब बेटा देखिए, साइन 45 जो होता है ना, ये आपके पास होता है 1/√2 होता है, ठीक है, ये 4/c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सी आपके पास आ जाएगा 4√2। बेटा ये आपके पास स्मॉल सी आ गया, ठीक है। बेटा ये आसान से क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेंगे, ठीक है। अब आपको एक मिनट बताता हूँ कौन सा पार्ट नंबर लास्ट जो है, ठीक है। अब देखिए, इसका एक पार्ट जो है ना, पार्ट करते हम लोग, चलिए देखिए, पार्ट थ्री आपके पास ये है, ये आपके पास 5 है, ये हम लेते हैं ए,
ये सी और ये डी। ठीक है, ये आपके पास देखिए क्या है, ये आपके पास फाइव, ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो स्मॉल बी आपके पास फाइव है, ठीक है, और ये आपके पास स्मॉल सी आपके पास 10 है। अब बेटा देखिए आपने क्या फाइंड करने हैं, आपने देखे दो एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए ये आपके पास क्या है, तो ये हम एंगल लेते हैं ए, तो ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने गिवन गिवन जो लिखे हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है। गिवन गिवन डेट बेटा देखिए आपके पास क्या है कि एंगल सी आपके पास है 40 90 डिग्री, एंगल सी है 90। उसके बाद स्मॉल बी आपके पास क्या है 5, और स्मॉल सी आपके पास क्या है 10। ये तो गिवन है, रिक्वायर्ड लिखेंगे। अगर रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, एक आपके पास एंगल ए नंबर 1, एंगल ए नंबर 2, एंगल बी, और नंबर 3 आपको चाहिए सॉल्व ए, ठीक है। अब बेटा देखिए हम एंगल ए निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल ए के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड एंगल ए। बेटा देखिए एंगल ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला एंगल ए निकालना है, तो ये आपके पास देखिए परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और फिर ये आपका बेस है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए के लिए वी नो दैट क्या होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे कॉस एंगल ए लिखेंगे, बेस देखिए आपके पास क्या है बी है, बेस बी और हाइपोटेन्यूस सी है। अब ये कॉस एंगल ए लिखा, बेस देखिए आपके पास क्या है, बेस आपके पास है 5, बेस है 5 और हाइपोटेन्यूस 10 है। बेटा देखिए कैंसिल होगा 5 अंदर और 5 टू द 10, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए कॉस ए आपके पास आ जाएगा 1/2, और कॉस 1/2 का होता है जब एंगल ए क्या हो 60 हो, तो देयर फोर आपके पास एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो कॉस 60 है 1/2 होता है, ठीक है बच्चा, ये आपने याद रखना है। अब एंगल ए तो आपके पास आ गया, देखें एंगल ए आपके पास आ गया 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब आपको एंगल बी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल बी नाउ फॉर एंगल बी। बेटा देखिए एंगल बी क्या होगा, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, एंगल बी फाइंड करना, और एंगल सी आपके पास 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180। देखिए एंगल बी 90 प्लस 60 150 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 150। अब बेटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये आपके पास एंगल बी आ गया। ये आपको एंगल बी आ गया। अब हमने निकालना है स्मॉल ए, ठीक है। तो स्मॉल ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये स्मॉल ए के लिए हम क्या करते हैं,
साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल सी, फॉर सी, तो सी के लिए हम यूज करेंगे फार्मूला कि वी नो दैट साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप यहाँ यूज कर देंगे, लेकिन देयर फॉर साइन एंगल ए यूज कर देंगे, ठीक है। देखिए साइन एंगल ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन एंगल ए परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपके पास स्मॉल ए और हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी है। अब एंगल ए आपके पास है 60 डिग्री, अब परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, स्मॉल ए आपने फाइंड करना है, और जो सी आपने निकाला है सी कितना आपके पास, सी आपके पास 10 है, ठीक है। सी आपके पास 10 है, अब बेटा देखिए जो साइन 60 है ये होता है स्क्वायर रूट 3/2 है, और ये 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कर 10 इज इक्वल टू 10, और देखिए 2 1 2 5 10, ए देखिए आपके पास आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3, ये आपका स्मॉल ए आ गया। बेटा देखिए यहाँ पे तमाम टर्म्स फाइंड कर लिए, ठीक है बच्चों, तो आई बात समझ में। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल गैमा 90 डिग्री। बट एंगल गैमा आपके पास क्या 90 डिग्री है, ठीक है, और आपने ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये आपके पास कि ए अल्फा आपके पास है 37 डिग्री और 20 मिनट्स, और ए आपके पास कितना है 243। अब बेटा देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम बना लेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ये हमने ले लिया ए, ये सी और ये बी। अच्छा बेटा देखिए ये आपके पास अल्फा है, ये गैमा और ये बीटा है, ये ए के सामने स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अब बेटा देखिए गिवन लिख लेंगे, जो आपके पास गिवन है वो वैल्यूज पुट कर देंगे, ए आपके पास है 243, ठीक है, अल्फा आपके पास है 37 डिग्री और 20 मिनट्स। अब आपको देखिए क्या क्या चाहिए, एक आपको स्मॉल बी चाहिए, एक स्मॉल सी चाहिए, और एक आपको क्या चाहिए बीटा चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ लिखें गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट देखिए आपके पास स्मॉल, एक तो आपके पास एंगल गैमा है, ठीक है 90 डिग्री, उसके बाद अल्फा आपके पास है 37 डिग्री और 20 मिनट्स, और फिर आपके पास स्मॉल ए है 243। अब बेटा ये तो आपका गिवन है,
और आपको देखिए क्या रिक्वायर्ड, आपने ये रिक्वायर्ड आपके पास ये है, रिक्वायर्ड क्या लिख देंगे, देखिए एक आपको बीटा चाहिए नंबर वन बीटा, और नंबर टू आपको चाहिए स्मॉल बी, नंबर थर्ड स्मॉल सी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास देखिए गैमा बी है और अल्फा बी, आप फाइंड करेंगे बीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि फर्स्ट वी फाइंड एंगल बीटा, ठीक है। अब आपको याद है कि वी नो दैट किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब बेटा देखिए अल्फा आपके पास ये है 37 डिग्री और 20 मिनट्स, बीटा आपने फाइंड करना और गामा एंगल 90 इक्वल 180 डिग्री। अब बेटा देखिए इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, फिर ये मिनट्स को हम चेंज कर लेंगे डिग्री में, ये 37 और प्लस 20 और 60, ये आपके पास आ जाएगा डिग्री, ठीक है ना। आपको याद होगा कि जब भी मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस एंगल बीटा प्लस 90 इज इक्वल 180। अब बेटा देखिए 20 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा 37 प्लस 0.33, और ऊपर आ जाएगा डिग्री, और प्लस एंगल बीटा प्लस 90 इज इक्वल 180, तो ये आ जाएगा 37.33 डिग्री प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल 180। इन लोगों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल बीटा प्लस 127.83 डिग्री इज इक्वल 180, और ये एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे, ये देखिए 180 माइनस 127.33, बच्चे बीटा आपके पास आ जाएगा 52.66 डिग्री, 66 है तो उसको 67 कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा। अब बेटा देखिए आपको क्या चाहिए, देखें अब आपको स्मॉल बी चाहिए क्या, ये स्मॉल बी, तो स्मॉल बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें हम यूज कर लेंगे साइन थीटा ना, पेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे साइन एंगल ए लिखेंगे, परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल ए और हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी। अब साइन एंगल ए देखिए हमने फाइंड किया था, ये रहा 37.33, परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या है 243 है, 243 स्मॉल सी आपने फाइंड करना है। अब बेटा देखिए साइन 37.33 की वैल्यू निकालेंगे, 37.33 और ये साइन, ये आपके पास आ जाएगा 0.6064 और ये 243/c। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी यहाँ पर आ जाएगा और 243/0.6064। अब बेटा डिवाइड कर देंगे 243/0.6064, तो ये आपके पास आ जाएगा, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400.725 है तो 73 का है, तो ये आपके पास आ गई सी की वैल्यू, ठीक है।
अब बेटा देखिए, अब आपके पास लास्ट वैल्यू रहेगी कौन सी, स्मॉल सी की। सो ये आपके पास ये स्मॉल सी है। ये स्मॉल सी ले लें। ये स्मॉल बी। ठीक है, अब हमें स्मॉल बी निकालना है, तो ये हम यूज कर लेंगे कौन सा बड़ा फार्मूला, यानी यूज कर लेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा यूज कर। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल बी। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे टेंजेंट एंगल ए लेंगे, परपेंडिकुलर आपके पास स्मॉल ए है और बेस आपके पास स्मॉल बी है। अब बेटा देखिए, टेंजेंट ए आपके पास है, टेंजेंट ए तो आपके पास 37.33 है, और ए आपके पास देखिए कितना है, ए आपके पास 243 है। स्मॉल बी आपने फाइंड करना है। अब टेंजेंट 37.33 की वैल्यू निकालते हैं, 37.33 और ये टेंजेंट, तो ये आपके पास आ गया 0.76 26 73 कर लेते हैं राउंड ऑफ, 243 और बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी आपके पास आ जाएगा 243 ओवर 0.76। अब देखिए, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो बी आपके पास आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 0.763, तो ये आपके पास आ जाएगा 300 80.47 47 उसको 5 कर देंगे। ठीक है, बेटा ये आपके पास बी आ गया। ये आपने अननोन क्वांटिटीज फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये आसान सी एक्सरसाइज है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।